आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4, और पार्ट 4 में टू टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है आपका मिस्टेक मीन्स भूल, दूसरा है आपका नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो नेसेसिटी आवश्यकता वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा आया है। तो तीन टॉपिक जो आपके पहले बता चुके हैं, एक है आपका दैवी कृत्य और ये आवश्यकता, और आगे आने वाला है सांविधिक प्राधिकार। ये तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये टोटल 9 आपके हैं। सामान्य अपवाद, अपकृत्य विधि में जो अपवाद हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन, ये टोटल 9 है, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो अभी डिस्कस नहीं किया है, 4 अनिवार्य दुर्घटना, दैवी कृत्य, प्राइवेट प्रतिरक्षा, इतने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देखेंगे भूल और आवश्यकता, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सांविधिक प्राधिकार, इसके बाद आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। और ये मैंने एक एक करके पार्ट में इस वजह से इसको डिवाइड किया क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा था। ये जितने भी आप लोग पॉइंट देख रहे हो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में हर बार एग्जाम में शॉर्ट में आते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट बहुत था। अगर हम इसको एक बार में एक ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक करवा देते तो पूरा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप लोग, मिक्स हो जाते हैं इसी में, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अवश्यंभावी दुर्घटना और दैवी कृत्य, इसमें दोनों भी घटनाएँ हैं, दुर्घटनाएँ हैं जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें अंतर बस केवल इतना होता है कि जो दैवी कृत्य होता है इसमें एक प्राकृतिक दुर्घटना है जिसमें नेचर के द्वारा, इसमें मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता है, और ये जो अनिवार्य दुर्घटना जो अवश्यंभावी दुर्घटना है ये नेचर के द्वारा दुर्घटना नहीं होती है, ठीक है, ये इंसानों के द्वारा होती है, ठीक है, लेकिन रोका दोनों को नहीं जा सकता है, इस तरह से आया समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इनके बीच में डिफरेंस भी बहुत पूछे जाते हैं, उसको हम लास्ट में एक वीडियो कराएंगे जिसमें सारे डिफरेंस, इस लॉ ऑफ टॉट में जितने डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे उसमें कवर करा देंगे, ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे भूल को, और बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़िएगा। आइए अब देख लेते हैं कि मिस्टेक मीन्स भूल क्या है, भूल और क्या अपकृत्यकर्ता को भूल के अंतर्गत कोई बचाव प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो भूल जो आपका वर्ड है ये चाहे तथ्य की हो और या फिर विधि की हो, ठीक है, अपकृत्य के अंतर्गत की गई किसी भी कार्यवाही के लिए प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में मान्य नहीं होगी। भूल चाहे वो विधि की भूल हो, किसी कानून की भूल हो, या फिर किसी तथ्य की भूल हो, अगर अपकृत्य के अंतर्गत कार्यवाही उस पर की जाती है तो वहाँ पर वो प्रतिरक्षा यानी बचाव के लिए तर्क नहीं दे सकता है कि ऐसा उसने भूलवश किया था, ठीक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हस्तक्षेप करता है, क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, तो उसका यह कहना प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा कि उसने ईमानदारी के साथ यह विश्वास किया था कि ऐसा करना औचित्यपूर्ण है, जबकि ऐसा कोई भी औचित्य वहाँ पर विद्यमान नहीं होता है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्ति की जानबूझ कर उसका मानहानि करता है, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है, उसका अपमान करता है, ठीक है, कोई झूठे शब्द उसके लिए बोलता है, तो यहाँ पर बाद में वो ये तर्क नहीं दे सकता है कि ऐसा उसने भूलवश किया था, क्योंकि पहले उसने जानबूझ कर उसका अपमान किया सबके सामने समाज में, और बाद में वो भूल का तर्क नहीं दे सकता है, बचाव यहाँ प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसके आगे हम कुछ केसेस देखते हैं, उससे आप लोग और बेटर तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला केस है कि वसूली वर्सेस क्लर्कशन, वसूली गोलमाल वाले वसूली नहीं है ये, वसूली वर्सेस क्लर्कशन का मामला है, ठीक है। इस मामले में न्यायालय ने क्या कहा था कि किसी दूसरे व्यक्ति की, अगर किसी दूसरे व्यक्ति की, जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि में यह सोचकर प्रवेश करना कि वह स्वयं उसी की भूमि है, ये अतिचार है, और इसके लिए प्रवेश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ वादी चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि में यह सोचकर चला जाता है कि ये भूमि जो है ये उसकी है, तो यहाँ पर ये एक अतिचार है, ठीक है, और वादी जो है जिसकी वो भूमि थी वो उस पर चाहे तो कार्रवाई कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा केस है कि दूसरा केस है आपका कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कुर्टिस, कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कुर्टिस। इस मामले में हुआ क्या था, इस मामले में एक नीलाम करता, ठीक है, एक नीलाम करता था, और उससे एक जो ग्राहक है आता है और एक सामान देता है कि भाई ये हमारा सामान है और इसको नीलाम कर दो। तो वो ईमानदारी के साथ यह विश्वास कर करके कि ये जो सामान है, हाँ भाई हो सकता है इसी ग्राहक का हो, और वो क्या कर देता है, उस सामान को नीलाम कर देता है, ठीक है, और उसके बाद जो भी संपत्ति होती है, जो नीलाम करने के बाद जो धन होता है, जो पैसा होता है, वो इस ग्राहक को दे देता है, और बाद में जो उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी होता है वो आता है, और उसको जब पता चलता है उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया है, जो नीलाम करता होता है उसके ऊपर वो संपरिवर्तन के लिए कार्यवाही करता है, उसके ऊपर कार्यवाही करता है कि इन्होंने उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीलाम करता है
इसको संपरिवर्तन के लिए दोषी माना गया। ठीक है, यहाँ पर भी वो भूल का तर्क नहीं दे सकता है, उसने किसी दूसरे की वस्तु को नीलाम कर दिया, उसकी वस्तु में परिवर्तन कर दिया। संपरिवर्तन क्या होता है कि जैसे उसकी संपत्ति को परिवर्तित कर दिया पैसे में, अब वो संपत्ति, अब पैसे से दोबारा वो संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता ना वो वाली, क्योंकि वो तो चली गई है वो। ठीक है, तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ इसके लिए जिम्मेदार माना गया नीलामकर्ता को। तो ये तो आपका भूल वाला हो गया। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आवश्यकता। आवश्यकता यानी नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी क्षति को रोकने के लिए कोई छोटी सी क्षति कर देता है, तो यहाँ पर प्रतिवादी जो है वो बचाव प्राप्त कर सकता है कि ऐसा उसने आवश्यकतावश किया, ऐसा कार्य करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं जिससे कि आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक लाइन से बहुत सारे मकान हैं, ठीक है, घर बने हुए हैं, और किसी एक घर में आग लग गई है और ये आग का प्रसार धीरे धीरे बाकी घरों की ओर भी हो रहा है और ये यहाँ तक भी हो सकती है। तो ऐसे में किसी एक बीच वाले घर को गिरा देना, ये क्या है, एक बहुत बड़ी हानि को रोकने के लिए एक छोटा सा किया गया नुकसान है, छोटी सी की गई क्षति। ठीक है, तो ऐसा आवश्यकतावश किया गया, यानी ऐसी आवश्यकता जो किसी बड़ी क्षति को रोकने के लिए एक छोटी सी क्षति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवादी बचाव का तर्क दे सकता है, जैसे किसी डूबते हुए जहाज का सामान जल में फेंकना, समुद्र में फेंकना, इस वजह से कि उस यात्रा में, उस जहाज में जितने भी यात्री बैठे हैं उनका जीवन बचाया जा सके। ठीक है, ताकि वो जहाज हल्का हो जाए इसलिए सामान को जहाज से नीचे फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवादी बचाव का तर्क ले सकता है कि ऐसा उसने आवश्यकतावश किया, उसने जो कई उसमें जहाज में यात्री बैठे थे उनके जीवन को बचाने के लिए उसने ऐसा कार्य किया। ठीक है, तो अब हम एग्जाम में कुछ इसी तरह से लिखेंगे कि यदि क्या कि यदि किसी ऐसे कार्य से क्षति कारित हुई है जिसे किसी उसे बड़ी क्षति को निवारण करने की आवश्यकता से अभिभूत होकर किया गया हो तो वह कार्यवाही योग्य नहीं है, और चाहे भले ही वह आशय के साथ किया गया हो। ठीक है, अब इसमें हम एक केस लेते हैं, केस से आप और अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि एग्जाम में केसेस लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को समझ लो बस, आप अगर एक बार समझ लोगे तो एग्जाम में अपने आप लिख सकते हो। कोई पॉइंट अगर मिस भी हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल और केसेस याद रहेंगे। एक केस है आपका कोप वर्सेस सार्प, कोप वर्सेस सार्प। इस मामले में हुआ क्या था, इस मामले में प्रतिवादी ने वादी की भूमि में आग के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से वहां पे प्रवेश किया था। वादी की बगल वाली भूमि में प्रतिवादी का स्वामी आखेट खेलता है। ठीक है, उसका जो, जैसे कि ये एक भूमि है और यहाँ पर वादी का जो, प्रतिवादी का जो मालिक है वो आखेट खेल रहा है और उसी की बगल वाली भूमि में आग लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लगी हुई है आग, तो जो प्रतिवादी होता है वो यह सोचकर उसके जमीन में, या कह सकते हो भूमि में प्रवेश करता है उस आग को रोकने के लिए कि कहीं ये आग का प्रसार वहां ना पहुंच जाए जहां उसका मालिक जो है आखेट खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसा उसने आवश्यकता के अंतर्गत किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस मकान मालिक नहीं, भूमि के स्वामी के द्वारा अगर इस प्रतिवादी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रतिवादी आवश्यकता का तर्क दे सकता है कि ऐसा उसने आवश्यकतावश किया था, उसकी भूमि में प्रवेश उसने इसलिए किया था ताकि इस आग को रोका जा सके और ताकि ये इस आग का प्रसार वहां ना पहुंच पाए जहां उसका मालिक आखेट खेल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से केस था। जो दूसरा आपका केस है कार्टर वर्सेस थॉमस का मामला है। कार्टर वर्सेस थॉमस के मामले में क्या हुआ था कि इस वाद में प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर सद्भावना के साथ अग्निशमन हेतु प्रवेश किया था, अग्निशमन यानी अग्नि बुझाने के लिए। ठीक है, प्रवेश किया था, परंतु वहां पर अग्निशमन कार्यकर्ता पहले से ही कार्यरत थे। प्रतिवादी का उस भूमि पर प्रवेश करना उचित नहीं माना गया। ठीक है, और वह अतिचार के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इसमें क्या हुआ था कि जो प्रतिवादी है तो वो वादी की भूमि में सद्भावना के साथ उसमें गया था। ठीक है, उसने प्रवेश किया, उसने उसके दूसरे की भूमि में प्रवेश किया, कहकर यह तर्क दिया उसने कि ऐसा उसने इस वजह से किया था कि उसमें जो आग लगी हुई है उसको रोकने के लिए किया था। ठीक है, आग बुझाने के लिए। लेकिन वहां पर जो वादी की भूमि थी वहां पर पहले से ही अग्निशमन के कार्यकर्ता मौजूद थे, तो यहां पर जो प्रतिवादी का यह तर्क था उसको नहीं माना गया कि ऐसा उसने आवश्यकतावश यह अतिचार किया था। ठीक है, तो आवश्यकता का टॉपिक क्लियर होगा, हो गया होगा आपका कि क्या है आवश्यकता, और आवश्यकता के अंतर्गत अगर कोई भी प्रतिवादी अगर कोई अपकृत्य करता है तो उसको छूट मिल जाएगी, उसको बचाव प्राप्त हो जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इस तरह से कुछ ये टॉपिक थे, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे सांवधिक प्राधिकार। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट